आज मॉर्निंग की शुरुआत हुई है। मैं आज खाना बना रहा हूँ, जो मैंने दाल बॉईल कर ली है और इधर तड़के के लिए मसाला तैयार कर रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा मैं ही बनाऊँ खाना, सो सुबह की शुरुआत यहीं से होती है। और तीन चार दिन से ब्लॉग आया नहीं मेरे चैनल पे, तो तीन चार दिन मतलब पहले दो दिन तो बीमार था, इसके चक्कर में ब्लॉग नहीं आया। बाकी मैंने फ्रेंड्स वीडियो और बाइक की राइडिंग वीडियो डाली थी, तो उस दिन मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। दो तीन दिन बाद ही आज ब्लॉग कर रहा हूँ, तो दो तीन दिन बाद ही ब्लॉग देखा तो मिल रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ब्लॉग ना करने से किसी को फर्क पड़ा होगा, क्योंकि यार कोई देखता ही नहीं तो फर्क क्या पड़ेगा। तो कोई नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ब्लॉग बना के, मैं तो अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ ब्लॉगिंग का। बाकी आप लोगों की इच्छा है, देखना होगा देखेंगे, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। मैं फोर्सफुली सबको ये तो नहीं कह सकता कि प्लीज़ सर मेरा ब्लॉग देखो। मसाला तैयार हो ही गया है, बस मम्मी बाद मिल जाएगा फ्रेश। मेरी यहाँ पे दाल तो रेडी हो गई है और मम्मी लगे आधा गूंदने में। मैंने बनाया है दाल और मम्मी बना रही है रोटी। तो गाइस खाना बन चुका है, खाना लेते हैं। रखते हैं खाली प्लेट और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ रात में पढ़ पढ़ के। रात में पढ़ाई करना था मैं, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो खाना खाने के बाद इतनी सुस्ती आ जाती है, अब थोड़ा आराम करने की सोच रहा हूँ, लेटते हैं थोड़ी देर। ऐसे कौन पीता है। हेलो गाइस, मैं तो सो ही गया था, मुझे पता भी नहीं चला कब नींद आ गई। और अभी सविता आया हुआ है खाटू श्याम जी के दर्शन करके, सो प्रसाद और ये लेके आया। ये स्टिकर है और ये कार्ड है खाटू श्याम जी का। और जब मन चाहे तब चले जाएंगे आराम से पी ले। हम भी चाय पीते हैं। दो गिलास रख देना जरा। देखो गाइस कैसे कैसे भाई है मेरे, इसके अंदर तमीज नहीं है तो इसको बीच बीच में डोज देना पड़ता है, तभी अच्छे से काम करता है। अब इसका ये सुन, सो अब टाइम आ चुका है आग जलाने का। हाँ यू आर राइट, करेक्ट करेक्ट है बिल्कुल, ये बंदा। सो आग जलाते, सो अगर आग जलाना है तो इसे तोड़ना पड़ेगा। बोलू तोड़ेंगे अभी, टूटी हुई सारी लकड़ी ख़त्म हो गई है गाइस। और ये गली की लाइट अभी तक ख़राब है। तो इस लकड़ियाँ तोड़ लिए हैं, इसको जलाते हैं। तो गाइस इसको हमने फाड़ दिया है, कुछ मैंने किया केस भैया और गोली भैया बस वो देख रहे थे। रुक जा लाओ यार। अबे नीचे भी अपने यहाँ पे
तो गाय आग जलने की है, ये भी डाल देते हैं, ये क्यों रखना है? डाल देना, डाल रहा हूँ तोड़ के। और मोटे बच गए हो गए भैया, बच गए। इधर लेता हूँ। अमर क्या कर रहा है भाई, बैठने नीचे क्या कर रहा था भी अकेले में? खा के रहा खाना बना रसवाला। हमने गाना सुनाने वाली ऑडियंस को इतने प्यार से क्यों बोल रहा है? बना रसवाला खाई के बंद दिमाग का खुल जाएगा साला। वीडियो देखी थी, उसमें दो दोस्त होते हैं, ठीक है। एक एक को दिख जाती है रेंज रोवर कार है, दूसरा कहता है, वो कहता है उसका दोस्त, भाई ये कितने का आएगा? वो कहता है, भाई ये इतने का आएगा, तू चला जाएगा, तेरा घर चला जाएगा, फिर तू कहाँ रहेगा? वो कहता है, मैं कहीं भी रहेगा पर मुझे ये गाड़ी चाहिएगा, चाहिएगा तो चाहिएगा। उसका तो नहीं है जो बिग बॉस में आया था ना, एमसी स्टैन। वो कहता है, तेरा घर जाएगा, तू जाएगा, फिर तू कहाँ जाएगा? और इसमें आग का पूरा उपयोग कर रहे हैं, बैगन पका के, बैगन का भरता। आज तो अंबर बैगन का भरता खाएगा, क्या बात है। हाँ खा लेंगे, ऐसे उठाएंगे वेटर को। ये किसने बताया? मैं कह रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, ये सब बनाना सीख लो, शादी होटल के होटल में जाओ है, आराम से एक दो इको स्पोर निकल जाएगी, इतनी सैलरी है। तू किसने बताया? 11-12 लाख। किसने बता दो? मेरा दोस्त है ना, वो करता है ताज होटल में वेटर। नहीं उसके पापा करते हैं। उसने कहा कि फैमिली बहुत होती है ना, अरे वो सेफ की खाना बनाने वाली थी। हाँ सेफ की सेफ की होती है। 11-12 साल की होगी, महीने की, महीने की क्या? हाँ देखिए तो अच्छी प्रोफेशन डिग्री वालों को नहीं है कि एक महीने की। हाँ तो बिजनेसमैन की है, बिजनेसमैन और वेटर में बहुत फर्क होता है। तूने तो बोला 11-12 लाख। कितना? 11-12 लाख। देखो देखो 11 का एक एक प्लस कर 2 लाख और 2 और 1 प्लस कर 60-70 हजार भी बहुत है। वही अगर इतना मिले तो मजा ना आ जाए। तो खत्म चलते हैं अंदर। अंबर क्या करेगा घर के जाकर? फ्री फायर खेलता है। क्यों? अरे फ्री फायर में मजे आते हैं यार, तुम खेलो। कौन से लेवल पे है? मेरा लेवल हो गया 58। क्या भाई इतने कम लेवल पे हंस रहे हो? शर्म नहीं आती है? बच्चे के लेवल इतने बड़ी मुश्किल से बढ़ाया है इस बच्चे ने। आप क्या जानो, मम्मी पापा की डांट सुन सुन के बढ़ाया। पबजी क्यों नहीं खेलता? कितनी डांट खाता हूँ मम्मी। पबजी क्यों नहीं खेलता? अरे यार पबजी के क्या हाल होता है, पबजी बैंड है। बैंड है कि बैन है? अरे बैंड बैंड जो हो समझ गए ना, बस बात है उसका भाई से जाना। जब भी आग जलाते हैं ये सबसे पहले आके बैठ जाता है। जॉनी हेलो, ओए उसके पैर एक टूट गया। हेलो हेलो उसका एक पैर टूट गया, पर सेकंड पे मैं उसका एक पैर टूट रखा है। बाय बाय, सी यू, कल मिलेंगे, ओके बाय। गाइस मैं आग वापस ले जाने आया था, मतलब आग जल चुकी है, अब अंदर ले जाता घर के अंदर, और ये बेचारा बैठा हुआ है, अभी ले जाने का मन नहीं कर रहा, इसको भी ठंड लगती है। तो मैं कल सोच रहा हूँ कि इसके इसको टी शर्ट वगैरह पहनाई जाएगा पुरानी, तो देखते हैं ढूंढेंगे फिर पहनाएंगे इसको। तो बस अभी बिल्कुल जॉनी के ऊपर दया आ गई, मतलब वो आग के पास से उठ ही नहीं रहा था, आग में नहीं अंदर ले आया, और मतलब आग के पास से बैठा हुआ था, आग ख़त्म भी हो गई तब भी आग के पास से बैठा हुआ था। सो उसको उसके लिए कल उसको पुरानी टी शर्ट पहनाएंगे कल।
ये पुरानी कोई टी शर्ट नहीं है, जॉनी को पहनाना पड़ेगा, पहनाएंगे कैसे, पहन लेगा आराम से, उसका गला हल्का से काट के टी शर्ट का है ना, कल पहनाते हैं उसे, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये चिड़िया वाला गेम भी डिलीट करना है। कौन देखे ना चिड़िया वाला, ये रहने दो, ला लो ना, और नहीं ये वाला डिलीट करना है। चिड़िया वाला हम खेलते हैं और डिलीट हो गया। चिड़िया वाला रहने दो ना। और मम्मी ने इसमें 5 गेम डाउनलोड रखे हैं और मम्मी कहती है स्टोरेज की फुल रखी है। चिड़िया वाला डिलीट कर दिया, ये बार डाउनलोड कर लिया। चिड़िया वाला तो रहा देती था। कहाँ छे? तो इस पापा मम्मी के फोन को गेमिंग जोन बना कर रखते हैं। सो गाइस अभी हम लेके आए हैं मोमोस और अमित को हम मिस कर रहे हैं। अमित नहीं है बेचारा, हम तीनों ही आज। पता है ना मोमोज खाने से क्या होता है? क्या होता है? बम ब्लास्ट होता है पेट में। चाइना की लड़की औरत मर गई थी। मोमोज तो अभी मस्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे सुमित? तो बस सुमित पढ़ पढ़ के थक गया था, मैं मोमोज ले आया सुमित के लिए। सुमित ने So guys, को नोट लिख रहा है। क्या लिख रहा है? आंटी सुमित ने ये क्वेश्चन नहीं दिया, क्या है कृपया ध्यान नहीं देता। यहाँ पे साइन मांग ले, साइन करवा आपका भतीजा गोलू। यहाँ पे साइन करने के लिए बोल रहे, बस साइन करवा दे मम्मी के, मम्मी के साइन आंटी नीचे वो बना दे। सो गाइस लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां चल रही है, आप लोगों से नहीं बता सकता, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, मोटो ब्लॉगिंग ही रखूँ या फिर डेली ब्लॉग या फिर प्रैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा हूँ इसको मैं धार्मिक चैनल बना लूँ, मतलब नहीं धार्मिक मतलब वो नहीं कि सारी चीज़ें इसी पर अपलोड करूँगा, प्रैंक वगैरह। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सही है, क्योंकि एंटरटेनमेंट मेन पर्पस है मेरा, बाकी किसी भी जरिए होता है वो मायने नहीं रखता। कोई नहीं, हम तो अपना काम करते, लेकिन फिर ऑडियंस कुछ हो जाएगी जिनको मोटो ब्लॉगिंग नहीं पसंद बिल्कुल भी। एक उसमें से मैं हूँ, मोटो ब्लॉगिंग नहीं पसंद, लेकिन कुछ बंदों को प्रैंक का लगे चैनल खोल लो, ये डेली ब्लॉग और मोटो ब्लॉग के लिए रख लो। डेली ब्लॉग का ही रख लेता हूँ, मोटो ब्लॉग के लिए करो, नहीं तीन चैनल हो जाएंगे, तीन साइड से इनकम। क्या बोलते हो गाइस? तो गाइस अभी का तो कंफर्म नहीं पता, और इन फ्यूचर मेरे 3 चैनल तो जरूर होंगे, एक मोटो ब्लॉगिंग का, नहीं 4 होंगे, एक कुकिंग वाला भी, कुकिंग मैं मतलब खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब नई नई चीजें लोगों को टेस्ट करवाना। सो मुझे तो आपसे टेस्ट नहीं करवाया कुछ भी, झूठ मत बोल सुमित, कब खिला दिया बताना है? अच्छा नहीं खिलाया फिर तो। एक कुकिंग चैनल हो गया, एक मोटो ब्लॉग, एक प्रैंक और एक ब्लॉगिंग वाला डेली ब्लॉग। सो गाइस खाना बन चुका है, अब चलते हैं खाना खाने। और खाने में क्या है मम्मी आज? दाल चावल और बैंगन का भरता, आलू गोभी की सब्जी। दाल चावल आलू गोभी की सब्जी और बैंगन का भरता। तो खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। सो गाइस अब चलते हैं ऊपर अपने रूम में और एडिटिंग पे लगते हैं,
और गाइस वो जो स्टिकर था श्री श्याम वाला उसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया, गोदरेज को ऊपर चिपका दिया। अब खाना पीना हो गया, अब चलते हैं ऊपर। सो ऊपर अपने रूम में आ चुका हूँ और पीसी कर लिया और एडिटिंग पे लगेंगे थोड़ी देर में। और गाइस मैं ये दवाई भी लेके आया हूँ, ये भाप की गोली है। सो पानी यहाँ पे हम गर्म करेंगे रात में सोने से पहले, और फिर ये भाप की गोली लेंगे क्योंकि जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सो ये लेंगे आज। सो गाइस इसी के साथ इस वीडियो करता हूँ यहीं पे, और मिलता हूँ कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी। और एडिटिंग को लगता हूँ जल्दी एडिटिंग करते हैं और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके।